दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, मोहित करने के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं तंत्र जगत में। सरल भी हैं, बहुत सी क्लिष्ट भी हैं, मध्यम श्रेणी के भी हैं, और उसमें सात्विक भी हैं, उसमें वामाचारी भी हैं। तो देखिए, मैं कभी भी कोई वामाचारी चीज कभी मैं प्रमोट नहीं करता, हमेशा सात्विक चीजों में विश्वास करता हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, प्रभु की आस्था में विश्वास करता हूँ, और वही काम करता है। अंततः ये फाइनल है, और ये दिस इज फाइनल एंड ऑल, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अगर कहीं कोई लगता है आपको, किसी को, देखिए सबसे पहले मैं बार बार मैं ऐलान करता हूँ, कोई भी अमेच्योर पर्सन, कोई भी अपरिपक्व मानसिकता वाला लड़का या लड़की, ये न तो करे न मुझसे कॉन्टेक्ट करे। मैं डिस्करेज करता हूँ, मैं कभी प्रमोट नहीं करता ऐसे लोगों को, और मुझसे कांटेक्ट भी ना करें प्लीज ऐसे लोग। विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कहीं किसी को वास्तव में आकर्षित करना है, चाहे वो मेल फीमेल के बीच में हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हो, चाहे वो लेनदार और देनदार के बीच में हो, किसी के एक्स वाई जेड, जहां पे लगे कि उसको अपनी बात मनवानी है आपको, उसके लिए ये एक सरल सा प्रयोग, थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा। और इसमें मैंने जो इसमें दिया है, मैंने इसमें इसलिए इसको ऐड किया है कि लोगों ने मुझसे प्रश्न किए कि कृष्ण जैसे रिलेटेड कभी आप कुछ भी नहीं देते। तो मैं मुझे शारदा तिलक, मैं मेरे पास ओरिजिनल वर्जन है संस्कृत वाला, उसमें कृष्ण जी के नाम दिखाई दिए, तो उसका मैंने एक टोटका ये किया, लोगों पे अपनाया इसको, इसके अच्छे परिणाम मिले। तो ये आप एक बार कर सकते हैं। इसमें जो चीजें चाहिए हैं वो आप नोट कर लें, बड़ा सरल सा है। देखिए, इसमें दो कमल के फूल चाहिए हैं नीलवर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए कैसे करना पड़ेगा। नहीं मिलते हैं तो फिर उसका विकल्प नहीं है कोई, उसके लिए फिर वो फूल हैं जो 7,000-8,000 फीट हाइट के ज्यादा फिर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, वो और भी दुर्लभ है, ब्रह्म कमल जिसको कहते हैं। तो वो तो बहुतायत में मिलेगा आपको, हाइट पे चले जाएंगे आप, मगर यहाँ तो हमें उसको उपलब्ध करना पड़ेगा ना। और हवन सामग्री में विशेष रूप से कमलगट्टे, गोघृत, शक्कर, ये ऐड कर लें, गोले का बुरादा भी इसमें ऐड कर लें। ये हवन सामग्री 8 दिन तक कंटिन्यूअसली आपको हवन करना है, इतना बंधन है। समधियां अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं आप, मगर अगर जो तांत्रिक समधियां होती हैं, अगर वो मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी समधियां, जो भी हवन में प्रयुक्त होती हैं, वो समधियां आप ले लें। एक कृष्ण जी का बाल रूप का सुंदरतम चित्र जो मन को आकर्षित करे, ऐसा चित्र जिस पर से बिल्कुल निगाह ही ना हटे आपकी, मतलब एक टक देखते रहे, होता ना कि भाव विभोर हो जाए, आंसू निकलने लगे, प्रेमाश्रु निकलने लगे, मन में बिल्कुल लगने लगे कि बस चिपटा ले, गोदी में बिठा ले, इनको प्यार करे, पुच्छी कर ले, ऐसा चित्र ये मिल जाते हैं आसानी से, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर चित्र मिलेंगे। देखेंगे आप तो मन, आपकी निगाहें हटेंगी नहीं उससे। और एक वो चित्र जिसको आपको सम्मोहित करना है, जिसको आपको आकर्षित करना है, जिसका आपको उच्चाटन करना है, जिसका आपको वशीकरण करना है, ये दो चित्र अपने सामने जहां आप बैठेंगे, जो भी सुविधा है मंदिर में, अपने कमरे में, अपने घर में, जहां भी बैठते हैं आप, वहां दोनों चित्र रख लीजिए। और चित्रों के सामने एक एक कमल के फूल जो लिए हैं आपने नीलवर्ण, वो रख दीजिए, एक कृष्ण जी के बाल रूप कृष्ण जी के सामने और एक संबंधित व्यक्ति के सामने। मंत्र मैं बता रहा हूं, ये 8 मंत्र हैं, इन मंत्रों की 8 दिन कंटिन्यूअसली, पहला मंत्र जैसे लिया आपने, उसके पहले दिन 11 माला जाप करें, और 11 माला से जो अंतिम माला है, अंतिम माला जब जपें तो मंत्र के साथ जो आपने अग्नि प्रज्वलित करी है समधियों से, और जो हवन सामग्री ली है, अंतिम 108 जो आपके जप होंगे वो इस हवन सामग्री से अग्नि में होम करके होंगे। पहला दिन आपका हो गया, दूसरे दिन दूसरा मंत्र पकड़िए, तीसरे दिन तीसरा मंत्र पकड़िए, इस तरीके से 8वें दिन तक 8 मंत्र आप जपेंगे। जो अंतिम 8वें दिन मंत्र जाप करेंगे आप,
उससे पहले क्या करना है, ये जो कमल के फूल आपने दो रखे थे चित्रों के सामने, ये एज इट इज रखे रहेंगे, इनका करना कुछ नहीं है, मंत्र जाप किया एज इट इज छोड़ दीजिए। ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा जहां पे कोई छेड़े नहीं, इनको कोई छुए नहीं, कोई हिलाए नहीं। अंतिम दिन जब आठवां मंत्र आप जाप करेंगे तो इन दोनों पुष्पों को इंटरचेंज कर दें, यानी कि कृष्ण जी का जो फूल है वो अपने सम्मोहित करने वाले व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दें, और जो उसका वाला फूल है वो कृष्ण जी के ऊपर नहीं चढ़ाएं, कृष्ण जी के पड़ोस में कहीं रख दें। और जो आपने कृष्ण जी वाला फूल इसके पास चढ़ाया है, उसको चढ़ाने के बाद में, उसको उतारा करने के बाद में, उसको होम करना है, उसको अग्नि में जो सामग्री है उसके पुष्प तोड़ लें, और तोड़ने के बाद में उसको मिला लें हमें सामग्री में, उससे 108 जाप करने हैं जो अंतिम 11वीं माला करेंगे, अंतिम 8वें मंत्र की। और जो ये फूल आदमी व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल है, इसको अपने पास आप रखेंगे, सूख जाएगा, सूख के भी रखे रहने दीजिए, फोटो प्लस ये फूल साथ कंटिन्यूअसली आपके बाद में 8 दिन बाद तक रखे रहेंगे आपके। कभी अगर न्यूनता लगती है तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में फिर ही रिपीट कर दीजिए। मात्र इतना सा। मंत्रों की मैं एक एक करके धीरे धीरे बहुत बोल रहा हूँ आपको, इनको मैं कहेंगे तो मैं लिख के दे दूंगा, मगर मैं लिख के देना नहीं चाहता क्योंकि फिर इसका दोहन शुरू हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए इनको वायरल नहीं करना, जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो वास्तव में नीडी पर्सन है उनके लिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सरल है, सुगम है, जबान पे चढ़ जाएंगे आपके, 2-4 बार पहले इनको अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद में जब शुरू कीजिए। मैं क्रम में बोल रहा हूँ, इसी क्रम से 1 से लेकर 8 तक ही जपने हैं, और जो 8वां मंत्र है उस मंत्र को फिर आप अपना एक जप मंत्र बना लें, और जो फूल प्लस आपने चित्र व्यक्ति का रखा है उसके सामने या उसके पास या उसके जैसे भी आपको सुविधा हो, एक माला नित्य जाप किया करें, उसका ध्यान किया करें, और प्रभु से, कृष्ण जी से प्रार्थना किया करें कि हे प्रभु, इसका किसी तरीके से इसका मन उचाट हो, ये मेरी बात सुनने लगे, ये मेरे वश में हो। और वश में भी ये ध्यान रखिए कि हम कभी वश में करने के लिए उस चीज़ को नहीं प्रमोट करते जहाँ पे कहीं मिसयूज़ हो रहा हो किस चीज़ का, कहीं किसी को बलात् हम कोई चीज़ कहीं से फोर्सली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको उसके अनर्थ के लिए कर रहे हैं, उसको डैमेज करने के लिए कर रहे हैं, कभी प्रमोट नहीं करूँगा, कभी मैं इसको एनकरेज नहीं करूँगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मंत्र मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय स्वाहा, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, क्लीं ऋषिकेशाय नमः, श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बाला दिवपुवे श्यामलाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और जो अंतिम जप मंत्र है आपका, ये नियमित रूप से फिर आप जपते रहेंगे, ये अंतिम 8वें दिन का मंत्र, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये दोस्तों इतना सा प्रबल वशीकरण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपकी भावना कलुषित नहीं है, मन आपका निर्मल है, मन आपका मर्म है, वास्तव में दीदी हैं, तो ये जरूर हेल्प करेगा, इसको प्लीज ट्राई करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।